यह वाकया 28 अप्रैल को ग्राम जामसरार कला का है, जहां सुबह लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के बीच वैष्णव परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूर नरेश कुमार ओटी ने सिंचाई के लिए मोटर पंप के स्विच को ऑन किया। इस दौरान जोर का धमाका हुआ और इस ब्लास्ट से नरेश कुमार ओटी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि नरेश कुमार करीब 6 फीट दूर जा गिरा और उसका चेहरा, सिर और हाथ छत विछत हो गया। वहीं मौके पर 2.5 से 3 फीट गड्ढा बन गया। इसी चुनावी माहौल में पूर्व में वैष्णव परिवार और आरोपी के मध्य वाद विवाद हुआ था। इसके अलावा पूर्व में आरोपी के पूर्वज के द्वारा पैतृक जमीन को वैष्णव परिवार को बेचा गया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। वही नवंबर-दिसंबर 2023 में सुनील वैष्णव उर्फ पप्पू के साथ फसल कटाई के संबंध में इनके बीच वाद विवाद हुआ था, जिसे आरोपी के मन में वैष्णव परिवार के प्रति बदला लेने और आक्रोश की भावना भर गई थी। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संदेही कुमार कंवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसने प्रारंभ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कुमार कंवर पूर्व में घटना दिनांक को ग्राम और घटना स्थल में उपस्थित न होने के कारण पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर घटना स्थल के निरीक्षण पर FSL टीम और पुलिस टीम द्वारा मौके पर मोटर पंप पैनल कनेक्शन में उपयोग लाए गए अतिरिक्त काले रंग के 1 mm के वायर, जो विस्फोट में उपयोग किया गया था, इसे पुलिस को अहम सुराग मिला और उस वक्त वायर तलाशी पर कुमार कंवर के घर से बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।